नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, जैसा कि हमेशा ही आपको ये कहा जाता है कि आप जब भी कोई गाड़ी खरीदिए तो उसमें किसी भी तरह के एक्सेसरीज लगवाने से पहले, जैसे टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, अलॉय व्हील्स या कुछ भी जो आप गाड़ी लेने के बाद करवाते हैं, वो करवाने से पहले आपको अपने गाड़ी में यह डैश कैम इंस्टॉल करवाना है। क्योंकि भाई, सड़क पर जब कोई घटना होगी तो ना ही टच स्क्रीन बचाने आएगा और ना ही अलॉय व्हील बचाने आएगा। यहाँ पर काम आएगा सिर्फ ये छोटा सा कैमरा। और आज के समय इंडियन रोड्स पर चलने वाले गाड़ियों में ये कितना ज्यादा जरूरी है, आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं है जिसमें ये बचाते हैं हमें, बल्कि कई और ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सीडेंट से भी काफी ऊपर होती हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया गया था जो कर्नाटका के बैंगलोर का था। इसमें आप साफ देख सकते हैं, फोर व्हीलर सीधा नॉर्मल स्पीड में जा रही होती है और उसके सामने आकर ये भाई साहब लेट जाते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कम है, ड्राइवर पूरे कंट्रोल में इसे चला रहा है, इसीलिए इन्होंने टाइमली ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लिया। अभी मान लीजिए यहीं पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती या ड्राइवर कहीं इधर उधर देख रहे होते तो ये भाई साहब निपट गए थे। और अगर इनको कुछ हो जाता, गाड़ी में डैश कैम ना होता, तो वहां पर ड्राइवर साहब को घेर लिया जाता। इसी के साथ ये डैश कैम्स ऐसी जगहों पर भी बहुत काम आते हैं जहां सड़क पर चल रहे दूसरे लोग बिना वजह गुस्सा हो जाते हैं या फिर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी रिसेंट में आपने देखा ही होगा। आज फिर से वैसा ही एक और रोड रेज सामने आया है जिसे मिस्टर अर्पित सचान ने शेयर किया है। और ये वीडियो रिसेंटली उत्तराखंड के ऋषिकेश में रिकॉर्ड हुआ है, जो पूरा आप देखिए। और इसे देखने के बाद आपको कायदे से समझ में आ जाएगा कि रोड्स पर चलने वाले कुछ लोग जो हैं, उनके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और ये अपने खुद के गलती पर भी आपको मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। फिर कलर का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बाद कितना सुनते हैं, बहुत चीजें हैं भाई। यही चीज लड़कियों पे कर दो ना, तुम तो मिसोजिनिस्ट हो। तेरी बहन की रुको जरा। क्या काट रहा है भाई? क्या क्या कर रहे हो भाई आप? क्या कर रहे हो? कैसे चला रहे हो? उधर जाके कैसे आ रहे हो? नीचे क्या है? ये गार्डन दिख रहा है। ओए 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 ओए, हाथ कैसे लगा रहा है? किस बात का दूं मैं? किस बात का दूं? तू कैसे काट रहा है? गार्डन दिख रहा है। काट किस देवर? तू देवर तो अभी मैं बोला कल साला भाई साला रखा भी नहीं तुझे। तो भाई, वीडियो में आपने देखा अर्टिगा के ड्राइवर जो कुछ टूरिस्ट को लेकर जा रहे हैं, वो एक जगह से लेफ्ट टर्न लेते हैं और मेन रोड पर चल रहे गाड़ियों के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। अब इसी सब चक्कर में जो डैश कैम वाली कार होती है, यानी अर्पित की, उनका लेफ्ट साइड फ्रंट अर्टिगा के राइट साइड बैक में हल्का सा टच हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गाड़ी में कुछ माइनर से स्क्रैचेस आए हैं। अब इतने में ही भाई इस तरह से गुस्सा हो गए कि इन्होंने बीच में गाड़ी रुकवाई है और एकदम गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती डैश कैम वाले कार की चाबी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी सब चक्कर में अर्पित जी के कार की चाबी कुछ हद तक मुड़ भी गई थी, जिस वजह से काफी देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई और सड़क पर पूरी तरह से जाम लग गया। मैं झांटी पैसे दूंगा। चाबी छोड़ पहले, चाबी छोड़, दे रहा हूँ पैसे, पैसे दे रहा हूँ ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, चल लगाता हूँ, चल खोलता हूँ। लगाते नहीं है पैसे, पैसे किस बात के दूँ? मैम सुनिए, इन्होंने गाड़ी ठोकी, इधर से काट के ला रहे और फिर भेज रहा है। सर देखो, चाबी तेरी बैठी भाई, रिकॉर्डिंग दिखाना, रिकॉर्डिंग कराता हूँ ना। चाबी मोड़ दिया? हाँ यार, चाबी मोड़ दी भाई। अरे पता नहीं क्या आदमी है, पहले तो गाड़ी साइड से ठोक दी, उसके बाद चाबी छीनने लगा, मारा मारी करने लगा उसके। मैम मैं चाबी टेढ़ी कर दी है, चाबी मोड़ दी है, चाबी मोड़ दी सर, चाबी मोड़ दी ना छीन के। कैसे इसको तो पत्थर से करना पड़े, बहन छोड़ क्या ही लोग हैं यार। चाबी मोड़ दी है, चाबी चाबी मोड़ दी। अरे नहीं, गाड़ी तो निकालनी, चाबी मोड़ दी यार उसने लड़ाई करते करते। अरे वो आगे ड्राइवर है, ड्राइवर
अब मैं कैसे निकालू? अरे गाड़ी चाबी नहीं लग रही ना सर, चाबी मोड़ दी है वो लड़ाई करते करते, चाबी मोड़ दी सर, अब क्या कैसे करूँ, कैसे जाऊँगा? सर पर ऐसे सर परेशान कर रहे हैं सर, सर वो आगे कुछ टैक्सी वाला था, उसने रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब है, उसने आया काटा और मेरे को मारने लगा के। नहीं लग रही सर, लॉक लॉक ही टेढ़ा कर दिया है, कैसे करूं? लॉक भी नहीं लग रहा है सर, वो एक टैक्सी वाला था, रिकॉर्डिंग है, उसका नंबर वंबर सब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। सर ये इसका करवाओ, गाड़ी न्यूट्रल कर, थोड़ा धक्का मार दो और किनारा कर दो। स्टीयरिंग लॉक हाँ। लॉक हो रहा है, देख रहा है स्टीयरिंग लॉक है, लॉक है, स्टीयरिंग चालू है, मारो धक्का थोड़ा किनारे करो। भाई एक घंटे धक्का मारो, धक्का मारो, चाबी लगा, उठा ले इस पहले ना, एक उठा ले तो धक्का मारो, मैं बैठा हूं गाड़ी को, न्यूट्रल है, धक्का मारो किनारे करो, किनारा कर ले, और उसी में बोल दो चौकी में। हां ठीक है, आगे गाड़ी लगाओ, आ जा, वो तो कही अच्छी बात ये थी कि आसपास जो पुलिस वाले थे उन्होंने इनकी काफी हेल्प की और गाड़ी को साइड में लगवाया। लेकिन भाई यहाँ पर अर्टिगा ड्राइवर की तरफ से इतना ज्यादा बदतमीजी किए जाने के बाद भी इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो कि गलत है। ये भाई लोग थोड़ा लोकल होने का फायदा उठा रहे हैं और इसी वजह से ये दूसरों पर ऐसे आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत गलत है। पुलिस को ऐसे लोगों को टाइट करना चाहिए ताकि वो ऐसे बीच सड़क पर हंगामा न कर सके। आज अगर इन पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये कल और भी किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर ये चीजें कहीं ऐसी जगह पर होती जहाँ थोड़ा सुनसान वाला एरिया होता और जहाँ पर पुलिस ना होती, तो ये नो डाउट ड्राइवर को मारने पीटने भी लगते, जो इनका बिहेवियर देखकर साफ अंदाजा लग रहा है। खैर उम्मीद है देहरादून पुलिस इन पर एक्शन लेगी, बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ भाई अपने गाड़ियों में डैश कैम्स जरूर लगवाएं। रेड टाइगर के क्वालिटी और बजट डैश कैम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।